स्वागत है ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। भाई आज फिर से आपको दिखा रहा हूँ मैं क्रेटा, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी आई है पंजाब से, दिखाते हुए आपको जो है इसमें क्या क्या काम रहने वाले हैं। दीपक भैया ब्लैक क्रेटा के साथ पोज। क्या भैया ब्लैक क्रेटा की लाइन लगा रखी है, कल भी ब्लैक आज भी ब्लैक। हाँ, बैक टू बैक क्रेटा का बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है भाइयों का, अच्छे रेट में जी। कुछ कोई तो मेरे से कम रेट में भी कर रहा है। अच्छा, किसी ने रेट भी घटा दिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपको मेरे से कम रेट में मिल रहा है, जो मेरे को मेरी कॉस्टिंग आ रही है, मैंने उसी कॉस्टिंग पे दे दिया। ठीक है, जो मेरे से कम दे रहा है वो मतलब घर से दे रहा है, बिल्कुल। तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी कटिंग करेगा या कहीं ना कहीं आपको जा करके मतलब ये सामान नहीं तो उस सामान में आपका रेट बढ़ा देगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया सब जगह से रेट लेके तब मेरे पास आना, तब मैं आपका सलूशन। इन शॉर्ट जैसे दीपक भैया कह रहे हैं, मार्केट ट्राई करो आप। हाँ, रेट लो फिर आओ, बेस्ट डील मिलेगी, बढ़िया डील मिलेगी, प्रीमियम काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा। ठीक है, तो पंजाब से ये गाड़ी भैया, पंजाब से बठिंडा की गाड़ी, बिल्कुल नई गाड़ी आई है, पूरी गाड़ी आ रही है, फिर से मिसिंग है DRL, हमारी फ्रंट DRL। ठीक है, रहने ले अपने पास स्टॉक में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भरपूर स्टॉक है। ठीक है, मतलब क्रेटा वाले भाइयों का तो इतना प्यार आता जा रहा है कि दो बार तो स्टॉक ही खत्म हो गया था। ठीक है, बस ये समझो अभी भी हेडलाइट के अंदर 180 वॉट की आपकी LED डाली है, नीचे भी 180 वॉट की LED डाली है, अलग अलग ठीक है। फ्रंट प्रोफाइल में इतना ही कुछ रहने वाला, अगर किसी भाई को ग्रिल चाहिए तो ग्रिल मिल जाएगी, अगर ग्लॉसी वगैरह हो जाएगा, इसी को अगर पियानो कराना है तो पियानो भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, करते बिल्कुल बेस मॉडल गाड़ी खड़ी है, ये बेस मॉडल है भैया। हाँ, बेस मॉडल थी, बिल्कुल। अच्छा, ई मॉडल है। अच्छा, ई मॉडल है, ई वेरिएंट रहने वाला है अपना, ये हट करके अभी वो आ जाएगा, साइड वेंट आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इंडिकेटर। तो ये अलॉय वगैरह भैया कैसे है? तो अलॉय वगैरह भैया एक्चुअली 700 के कस्टमर ने लगाए हैं, 17 इंची अलॉय रहने वाले हैं। अच्छा, ये हमने नहीं लगा के दिए, कस्टमर ने ही लगाया। टायर साइज भी बड़ा किया गया, टायर साइज भी बड़ा किया, एक इंच बढ़ाया है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके 17 इंची का अलॉय रहने वाला, नहीं 18 इंची है, सॉरी 18 इंची है, 18 इंची अलॉय है। अच्छा अच्छा, और दो इंची टायर साइज बड़ा है इसका, 2 इंची बड़ा है, ओके। एक्चुअली 700 का अलॉय, क्योंकि बेस मॉडल में 16 आ रहा है और उसमें आ रहा है 17 टॉप मॉडल में। ठीक है, और कुछ बात करते हैं तो साइड मिरर के हमने रिप्लेसमेंट करके इसके ऊपर टेपिंग होगी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास कच्चा पेंट आता है वो व्हाइट में आता है। ठीक है, अगर किसी भाई की ब्लैक गाड़ी है तो इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से टेपिंग कराते हैं। प्रॉपर पेडल एम के साथ रहने वाला है, हुंडई की जेन्युइन अभी पेडल एम हुआ है जो अभी भैया इसके काम नहीं, अभी नहीं काम अच्छा, अभी चल रहा है, वर्किंग चल रही है जी। बात करते हैं डोर वाइजर, बिल्कुल प्लेन रहने वाला, गाड़ी बिल्कुल कोरी रहने वाली है, साइड से बिल्कुल प्लेन गाड़ी, नई गाड़ी है, टेम्परेरी नंबर के साथ। ठीक है, और कुछ कुछ इसके अंदर जो मेन काम है वो होने वाला है। ठीक है भैया, एक चक्कर और लगाएंगे। अच्छा, बजट के इशू वजह से भैया एक चक्कर, तो अभी क्या क्या काम करा रहे हैं? ऐसे मैं देख रहा हूँ साइड मिरर हो रहा है, तो भैया इसमें LED वगैरह भी कुछ करा रहे क्या भैया? जैसे 180 वाट की LED ऊपर डाली, 180 वाट की। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ शुरू में आपने बताया था राइट, तो DRL वगैरह में ऑफर बढ़िया वो नहीं अपडेट करा? बहुत ऑफर है लेकिन अभी भैया को लगवाने का मन नहीं था। अच्छा, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, स्टॉक अपने पास भरपूर रहने वाला है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से साइड मिरर की फिटिंग कर दी गई है, प्रॉपर इंडिकेटर के साथ पेडल लैंप के साथ आता है, ये हुंडई की पहचान है। ठीक है, बाकी हमारे वीर जी इसकी वायरिंग कर रहे हैं, अभी ये गत्ता कटिंग करेंगे, तो प्रॉपर एक कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से काम से काम होगा आपका, अच्छे काम होगा, बेस्ट प्राइस के अंदर, रीजनेबल प्राइस के अंदर बेस्ट काम करके देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है सीट कवर वगैरह भी है इसमें? सीट कवर वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि कपलर टू कपलर बोलने से नहीं होता, कपलर कर ही रहो, हर कोई यूज करता है, प्रॉपर कपलर रहने वाला, जो आप यूज की बैजिंग देखेंगे इसका प्रॉपर कपलर रह करके अंदर चला, ये कपलर लगा दिया आपने, प्रॉपर एक देखेंगे इंस्टॉलेशन हो गए। ये हमारे पास डंडी वाला मिरर आया था। ठीक है, प्रॉपर कुछ ये मिरर आया था, हटा के प्रॉपर कपलर टू कपलर वाला मिरर लगा दिया। ठीक है, इनके हाथों में ही कला है, अब ये समझ लो कि इनके हाथों में कला है, और प्रॉपर तरीके से ऐसी कटिंग करते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि पक्खा चेंज हुआ है, उसके अंदर कटिंग हुई है, क्या बात है। प्रॉपर चलो क्वालिटी चेक करेंगे ना रेडी होने के बाद। तो भैया सिस्टम वगैरह भी मैं देख रहा हूँ आपने अपडेट किया, एम्बिएंट लाइट वगैरह भी डाली आपने, लाइट इंस्टॉल हुआ है, और इसके अंदर आगे स्टेज 2 के कंपोनेंट डाले। अच्छा ठीक है, पीछे 352 वाट का 352 स्पीकर डाले, जो कि JBL का कोएक्सियल रहने वाला है। इसकी एक खास बात और है, 4GB रैम 64GB के साथ 360 सपोर्टिव के साथ प्रीमियम क्वालिटी का सिस्टम आ जाता है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज है, बस ये समझ लो कि कम पैसों में अच्छी चीज आपको अल्ट्रा ऑडियो प्रोवाइड करके दे रहे हैं। बाकी मैं भी कस्टमर को यही फोर्स करता हूँ कि लगवाए, अच्छी चीज है, मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ब्लॉपंक में आपको कहीं ना कहीं इशू मिलेगा, और इसके अंदर हम आपको हैंड टू हैंड 2 साल की ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम करके देते हैं। तो कुछ बैक प्रोफाइल से बात करें तो पूरा काम हो चुका है, लगभग अपना मिरर ही बाकी है, तो बैक प्रोफाइल से हमने इसके अंदर एक ब्लॉपंक का
4.4 वाला अपना कैमरा इंस्टॉल किया है जो कि प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, पंख की बैजिंग के साथ प्रॉपर एक OEM जगह पे जो फिट होता ठीक है किया गया। ट्रे भी आपने डाला हुआ है? कंपनी की पार्शियल ट्रे रहने वाली है, बूट मैट भी कंपनी का रहने वाला। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे बूट लाइट इंस्टॉल करी है जो उसकी आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, की जो भी चीज थी भैया को वापसी कर दी गई है, सामान वामान सब भैया को वापसी करेंगे। अभी ये गाड़ी है जो कि रॉ है, ठीक है, गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बिफोर आफ्टर दिखाएंगे रेडी होने के बाद। ठीक है, दीपक भैया खुद इंस्टॉल कर रहे हैं वेंट, ये वही कॉम्प्लीमेंट्री भैया। तो इसमें छोटा वाला भी तो आता है भैया? भैया देखो जो लुक आती है ना वो बड़े वाले से ही आती है। अच्छा, वैसे छोटा वाला भी अवेलेबल है अगर कस्टमर की डिमांड रहेगी। छोटा वाला, ये बड़ा वाला लगवा रहे भैया, बाकी छोटा वाला आप कहोगे वो भी मिल जाएगा ना? जी जी बिल्कुल, बाकी इसकी लुक आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरह से बंद हो गया और ये चालू हो गया। बाकी गाड़ी जो है रेडी होने वाली, रेडी होने पे आपको कंप्लीट प्रोफाइल हम दिखाएंगे। अपनी जो है क्रेटा फाइनली हो चुकी है रेडी। ठीक है, तो फ्रंट से बताएं तो फ्रंट से भैया ने कुछ भी नहीं कराया क्या फ्रंट में? बेस मॉडल रहने वाली फ्रंट से, विदाउट डीआरएल। डीआरएल नहीं लगवाई भैया ने, बाकी आप कराओगे तो 4500 में आपको डीआरएल मिल जाएगी एक्टिव करके पूरा। ठीक है, उसके अंदर डिब्बी लगती है प्रॉपर कपलर के साथ। ठीक है, आगे ग्रिल चाहिए किसी भाई को तो वो भी मिल जाएगी, अगर पियानो इससे कराना है तो वो भी डिप करा सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने 180 वाट दोनों सेट में 180 वाट डाली है जो कि रहने वाली है। ठीक है, पार्क करते हैं साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में इंडिकेटर हमने छुपा दिया है वो मैंने दिखाया था, मॉडल वाला लुक देता है। ठीक है, ऊपर जी ड्राइव का वेंट लगा, बहुत खूबसूरत लगता है दूर से। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाला है। ठीक है, और बात करते हैं साइड मिरर, हमने पूरा ग्लॉसी ब्लैक के अंदर टेपिंग करके भैया को प्रोवाइड कर दी। किसी भाई को पेंट चाहिए अगर आपका समय है तो आप पेंट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विदाउट बल्किंग पेडल लैंप के साथ प्रॉपर एक रहने वाला है पेडल लैंप। अभी गाड़ी ओपन नहीं है इसलिए, बाकी किसी भाई को डोर वाइजर चाहिए तो डोर वाइजर लग जाएगा, लोअर गार्निश चाहिए लोअर गार्निश लग जाएगी। ठीक है, हैंडल क्रोम चाहिए हैंडल क्रोम, और पूरा हैंडल चेंज कराना है। और ये आपने लगाई हुई है रूफ रेल? हाँ जी, रूफ रेल हमने लगाई है जो कि प्रॉपर है गैलियो कंपनी की रहने वाली है। ठीक है, और ये टेप कब हटा सकते हैं भैया? कभी भी आप हटा सकते हो, एक घंटे के अंदर में आप कभी भी हटा सकते हो। अच्छा जी, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक अपनी आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्रॉपर लगाया गया है, बेस मॉडल का लुक दिया गया। बाकी साथ में हमने भैया ने XUV 700 वाले अलॉय व्हील लगा दिए हैं जो कि 18 इंच में रहने वाले हैं। महिंद्रा का लोगो, मेरे को क्रेटा में महिंद्रा का लोगो होंडा ही कौन सा मिला भैया को ना, इसलिए। अच्छा, इसके वो बड़े होंगे ना? बोला भैया को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी बैक प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे, ये भी नहीं आपने डाली भैया टेल लाइट? टेल लाइट भैया चेंज कराने की लोड ही नहीं है उसके अंदर। लाइट में मतलब क्या है भैया, इसमें डमी है ना ये तो? वर्किंग है भैया। अच्छा, टॉप मॉडल वर्किंग है, अगर आप टॉप मॉडल वाली लेते हैं तो इसके अंदर पाइप थोड़ी सी मोटी आ जाएगी, और ये जो अपना बल्ब है ना यहाँ पे LED लैंप आ जाएगी, सीक्वेंशियल LED आ जाएगी किसी भाई को। अगर वो चाहिए रिफ्लेक्टर चाहिए तो अपने पास चार वेरिएशन में रिफ्लेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, चार वेरिएशन के अंदर। बाकी बात करें अंदर कैमरा वगैरह भी डाला गया तो OEM कैमरा फिटमेंट किया गया प्रॉपर, आप देख सकते हैं कपलर टू कपलर रहने वाला है प्रॉपर तरीके से। बात करते हैं अंदर की, तो अंदर हमने बोट लाइट इंस्टॉल करा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, और साइड में हमने इसके अंदर ये कंपनी ने डाला, ये भी कंपनी ने डाला। तो बात करते हैं बैक प्रोफाइल से और साइड प्रोफाइल से, कुछ इतना ही काम रहने वाला है। अच्छा, बात करते हैं अंदर की तरफ, चलो अंदर चले गाड़ी में। अब थोड़ा इसकी मेरे को साइड मिरर की वर्किंग भी दिखा देना भैया। भाई को अपने सीट कवर्स चाहिए तो सीट कवर्स की वेरिएशन अपने पास स्टार्ट मिल जाती है प्रॉपर तरीके से, 4500 रुपये में स्टार्टिंग रेंज अपने पास सीट कवर की फुल बकेट तरीके से प्रॉपर थाई सपोर्ट के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में लगी चलती है, ये 360 का व्यू है। तो यहाँ पे भी वैसे हो जाता ना, अभी हमने रिसेंटली गाड़ी में किया। हाँ, यहाँ पे आपका पियानो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे किसी भाई को सॉफ्ट टच कराना है तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने भी आप बंद करके चालू करना एक बार, एम्बिएंट लाइट लगी है। कोई नहीं भैया, एक बार टेस्टिंग कर ले फिर हम अंदर जाके आराम से तरीके से जो है ये चीज़ दिखाएंगे गाड़ी के अंदर। ठीक है, एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो बहुत प्यारी लग रही है। एक बार इसमें भैया वो स्विच वगैरह भैया ने यहाँ पे डलवाया, छुपा के लगा दो स्विच भैया, दिखाना नहीं है ना। अच्छा, ये कुछ गुप्त स्विच है तो ये तो ऐसे फोन से भी हो जाता है अगर आप फोन से ही ऑपरेट करो, बट ये किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो वो उसके लिए बटन हम लगा देते हैं। बाकी हम हर गाड़ी में बटन लगाते हैं, आपकी चॉइस है, आपको लड़कों को बताना कि भैया मुझे बटन नहीं चाहिए। ठीक है, बस बाकी हमारा ये आपने डाला स्टीयरिंग और क्रूज, स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल हमने वर्किंग करके दिया प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, और स्टीयरिंग कंट्रोल देख सकते हो विदाउट एडास के साथ,
आपका प्रॉपर तरीके से अगर आप हाईवे पे चलेंगे तो आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टीयरिंग अपने पास प्रॉपर हो जाएगा, मतलब रनिंग के साथ अपना गाने यहाँ से चेंज कर सकते हो और कुछ वर्किंग ऐसे हो जाएगी, म्यूट हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो जाएगा। तो कह रहा हूँ सॉरी 3000 में 1500 का ये 1500 का फिटिंग करके दे रहा हूँ, पूरा सेट ही है। बिल्कुल, तो अगर कोई एक चीज लगवाना है 1500 में वो नहीं हो पाएगा, पूरा सेट ही है ना, पूरा सेट ही है भैया, पूरा सेट है। ठीक है, 3000 का पूरा सेट आपको पड़ता है। ठीक है, बाकी सही है यार, मतलब इतना सही रेट में आपको मिल रहा है, करना भी क्या है, क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग कंट्रोल दोनों लगवाओ ना इसमें। ठीक है, और उसके अलावा एम्बिएंट लाइट वगैरह मैंने आपको दिखाई थी, ये अब दिखा देते हैं इसमें। इसके अलावा ये मैं आपको एडजस्टमेंट वगैरह दिखा देता हूँ, और ये हटा दिया डंडी वगैरह, तो भैया सैश वगैरह ही लगा। अच्छा भैया ट्विटर लगवाया, हाँ ट्विटर लगाया ना, भैया ने कहा कि मुझे ट्विटर दिखने चाहिए भैया। अच्छा ये भी अलग अलग चॉइस है भैया, देखो हर तरीके के कस्टमर है, कस्टमर इज अ किंग, सही बात है, कस्टमर इज अ किंग, और जो मतलब कहते हैं कस्टमर वो हम करके देते हैं, हम अपनी नहीं चलाते कि भैया लगाओ लगाओ लगाओ, बिल्कुल नहीं माना तो नहीं लगाया, कोई बात नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये भी आपने डाल दिया, ये आफ्टर मार्केट है भैया, अच्छा प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वही आपका 2500 वाला है, प्रॉपर तरीके से कोई से पहचान नहीं पाया। और ओरिजिनल वाला 3000 का ना भैया, ओरिजिनल वाला 4500 4500 का, ओके ओरिजिनल वाला 4500, ये 2500 का, 2500 रुपए का मिलेगा व्हाइट एलईडी के साथ। ठीक है, प्रॉपर तरीके तो वो भी तो व्हाइट एलईडी में दे रहे हो भैया 4500 में, वो भी आपकी व्हाइट है, वो ह्युंडई जेन्युइन है। अच्छा ये आफ्टर मार्केट है, वो ह्युंडई जेन्युइन है। ठीक है, बिल्कुल कोई बता नहीं सकता, लेकिन आफ्टर मार्केट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बहुत अच्छी चीज है, बाकी इम्पोर्टेड चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कोई भाई का बजट नहीं है, कोई वो भी लगवाना चाहते तो ये भी आप लगवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई लगवाओ तो ही मैं दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो बात कर रहे थे मिरर का, आपको थोड़ा सा दिखा दो एडजस्टमेंट वगैरह, तो ये पहले मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ, ये बंद हो गया और ये खुल गया। ठीक है, इसके अलावा ये देख लो आप, लॉक अनलॉक पे भी ये काम करेगा मिरर ना। अच्छा अच्छा, मिरर आपका लॉक अनलॉक पे भी काम कर जाएगा, देखो एडजस्टमेंट वगैरह हो रहा है। अब मैं उस साइड का भी करता हूँ, मैं इधर इधर कर दिया मैंने इसको, ये देखो भाई वाली साइड में लो इधर भी हो रहा है। ठीक है जी, और फिर से फोल्ड करूँ मैं वो भी दिखा दूँ, ये देखो ये प्रॉपर इधर से फोल्ड है, वन टच फोल्ड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लॉक में आप कह रहे हो फोल्ड हो रहा है, एक बार कैसे, वो तो बाहर निकल के हो पाएगा, अनलॉक पे फोल्ड हो, बाहर निकल के हो पाएगा। एमबी लाइटिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दी, K46 पीसेस के अंदर स्पीकर कौन से आपने डाले थे, स्पीकर डाले भैया स्टेज 2 कंपोनेंट आगे डाले हैं, और आपका JBL के ही स्टेज के 6 इंचेस कोएक्सियल पीछे डाले भैया, जो कि अपना रहने वाला है, और स्क्रीन अपने ने लगाई अल्ट्रा ऑडियो, जो कि इंडिया नंबर वन ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है ये पूरा, ये 0-0 फिटिंग है, प्रॉपर तरीके से आप ऊपर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कट टू कट फिटमेंट और कट टू कट फिनिश आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, 0-0 फिटिंग रहने वाली, 0-0 कपलर फिटिंग रहने वाली है। ठीक है, बाकी ये जो सेंटर स्पीकर वगैरह भी है, वो किसी भाई को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, अच्छा अवेलेबल हो चुका है, अवेलेबल है, लेकिन सेंटर स्पीकर की इतनी जरूरत नहीं होती, बाकी जो मैं कहूँ तो आप इसके आप डोर्स के स्पीकरों के अंदर इन्वेस्ट करिए, अच्छा डोर्स के स्पीकरों के अंदर इन्वेस्ट करिए, सेंटर स्पीकर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक शो के लिए बस, वो तो बस ऐसी कंपनी देगी, बाकी कोई चाहे तो वो अवेलेबल है। 4/64 के अंदर 360 डिग्री सपोर्टिव के साथ एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस कैमरा 360, आप खैर आपने डाला तो नहीं भैया इसमें, भैया इसके अंदर 360 नहीं डाला, बाकी बैक कैमरा देख सकते हो आप एक बार प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी ये सारे मोड्स ऑफ है, बट आप चाहो तो 360 इसमें हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है अपना हो चुका है, क्योंकि ये भी फ्रंट में भी कैमरा नहीं, बड़े यहाँ पे कैमरा नहीं है तो इसलिए वो दिखाएगा, बाकी अपने पास ही आ गया और कुछ इसकी आप फिटमेंट देख सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये कुछ विदाउट लैकिंग वाला सिस्टम रहने वाला है, स्मूथ टच के साथ विदाउट लैकिंग वाला सिस्टम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काम हुआ इसके अंदर प्रीमियम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, भैया का जो टेस्ट था वो अच्छा था, बजट फ्रेंडली था, और इस गाड़ी का जो बजट रहने वाला होगा वो लमसम आपका 65 के आसपास में इसके अंदर काम हुआ है, नॉर्मल काम हुआ है, बाकी किसी भाई को सीट कवर ईट कवर चलाना है तो लमसम आपका बजट पहुंच जाता है विद अलॉय के साथ 1,00,000 के आसपास में आप बेस टू टॉप करा सकते हैं। 1,00,000 के मतलब अंदर ही हो जाएगा क्या भैया? नहीं, 1,00,000 के अंदर ही हो जाएगा भैया। चलो 1,00,000 के अंदर बिल्कुल, बाकी एक भी टच कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, क्योंकि इंटीरियर भी कोई भाई कराते हैं, कोई जैसे भी रिसेंटली हमने दिखाया था, भैया ने ग्लॉसी कराया था, पूरा ग्लॉसी कराया था, जिस तो लेवल का काम होता है उन्होंने पूरा ये सब करा दिया था भैया, ग्लॉसी पूरा ये सब, ये पूरा का पूरा, ये भी पार्ट ग्लॉसी था, ये भी पार्ट ग्लॉसी था, ये भी ग्लॉसी था, हैंडल ग्लॉसी, ये टॉप मॉडल में सब चीजें आ रही है ना ग्लॉसी वगैरह से, प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ था, तो फिर वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो फिर उस लेवल का फिर वो बजट होता है, 1,00,000 रुपए के अंदर में क्रेटा बेस टू टॉप बेस टू, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम फिर उस हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा हो जाता है, आपको करता है 1,00,000 के अंदर बेस टू टॉप हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छी रेंज के अंदर, सबसे सस्ते प्राइस के अंदर क्रेटा बेस टू टॉप करके दिखाऊंगा, करके देंगे और भैया और क्या चाहिए। ठीक है, बाकी सिस्टम वगैरह हर एक चीज जो है प्रॉपर काम कर रही है, देखो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है,
और बाकी मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो के अंदर सारे रेट बता दिए जाते हैं और कोई कोई कहता है कि भैया ये वाले रेट नहीं बताए आपने, तो भैया ये चीज आप शॉप पे आओगे तो ही आप देख सकते हो कि क्या। देखो अलग अलग ब्रांड आते हैं, अलग अलग चीजें आती है, अलग अलग क्वालिटी आती है, बहुत सारी वैरायटी आती है। बिल्कुल, अब मैंने किसी को रेट ज्यादा बताया किसी चीज का, मैंने अच्छी क्वालिटी उसे देने की कोशिश करी, अब वो किसी और दुकान पे जाके उसे सस्ती क्वालिटी उसी रेट के अंदर उसे सस्ती क्वालिटी मिल गई, तो वो बात गलत हो जाती है। आप आइए, चीज देखिए, लिस्ट बनवाइए, काम आपको अच्छा लगा तो काम कराइए, ना अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, बाकी जैसा आपको लगेगा वैसा हम काम आपको करके देंगे प्रॉपर तरीके से। चीटिंग का कोई चक्कर नहीं रहेगा, धोखाधड़ी नहीं रहेगी, बाकी चीज जो करी जाएगी वो जेन्युइन करी जाएगी, अच्छी क्वालिटी के अंदर चीज करी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये था भाई क्रेटा का वीडियो। बाकी आपको कुछ काम कराना है तो स्क्रीन पे नंबर आ गया है, दीपक भैया ये सामने बैठे हैं, आप इनसे बात करो, आओ। रेट लिस्ट आप लेते हो, बट आपको अगर एक प्रॉपर चीज चाहिए ना कि भाई ये इतना बजट है, ये चीजें हैं, तो उसके लिए आप एक बार शॉप पे आओ, क्योंकि अलग अलग रेंज है, स्पीकर अलग रेंज के है, डैम्पिंग अलग रेंज के है, सिस्टम अलग रेंज का है, तो एक बेसिक जो चीज होती है, जैसे ये हो गया स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया फिक्स जिसका प्राइस तो, है ये हम आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट अब ये चीज ना इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, तो उसलिए फिर आप 10 ब्रांड आते हैं, फिर हम कैसे एक एक चीज आपको बताएं, कोई आपका सस्ता है, कोई महंगा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, वो तो जब आप आओगे, जब मैं दिखाऊंगा तो ही आप सेलेक्ट करोगे, तो ही आप लगाओगे उसके अंदर। ठीक है, बाकी थोड़ा भैया से ही बात कर लेते हैं जो गाड़ी लेके आए पंजाब से ही, बिल्कुल नई गाड़ी, उनसे भी थोड़ा रिव्यू लेते कैसा लग रहा है उनको काम। इसे तो इसमें LED वगैरह डाली 180 180, ठीक है, हाई लो बीम दोनों मैंने इकट्ठे ऑन कर दिए, और लो भी दिन का ही टाइम है, मतलब दिन तो है 6:15 बजे है, बाकी आउटपुट वगैरह आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ डिपर में, ये मैंने कर रखा है, ये देखो, ठीक है, तो इस तरह कुछ आउटपुट वगैरह रहने वाला है, बाकी यही सब काम हुआ है इस गाड़ी में। भैया आए हैं पंजाब से, बठिंडा से, राइट, गाड़ी लेके क्रेटा का काम कराया। सर कैसा रहा काम का एक्सपीरियंस? काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, भैया का नेचर बहुत कोऑपरेटिव है एक्चुअली, जैसे ही गाड़ी लगी सुबह 11:30 बजे तो साथ ही साथ 5-10 मिनट में काम शुरू करा दिया था भैया ने, एंड रेगुलर इंटरवल्स पे वो चेक इन करते रहे, बहुत सही एक्सपीरियंस था। ओके, बाकी क्वालिटी वगैरह काम की जो चीज़ें जो थी, मतलब काम जेन्युइन हुआ या काम की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह ऐसे आपको लगा कुछ ऐसे कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है कहीं पे भी, एक एक चीज जो भी इन्होंने लगाई है दो दो तीन तीन बार चेक करी है। ओके, वापस से उसमें कोई इशू लगा हमने बोला तो इन्होंने प्रॉपर अटेंड किया उस चीज को, ठीक है, एंड बहुत अच्छा, मतलब वो रहा कि मुझे लग रहा था करोल बाग में मतलब उतना अटेंड कोई करेगा नहीं, अच्छा। बट इन्होंने रेगुलर इंटरवल पे अटेंड करते रहे, वापस बार बार आते रहे, चेक करते रहे चीज़ों को, और जो सामान है इनका वो भी प्रॉपर जेन्युइन सामान लगा हुआ है, ठीक है। 10 में से कितना नंबर दोगे सर आप? 9.5 का मैं जान सकता हूँ, ऐसे क्यों, मतलब 0.5 मतलब वो होता है ना कि एवरीथिंग हर चीज में नीड्स टू इंप्रूव, नहीं नहीं इनमें पर्टिकुलरली मुझे कुछ नीड लगी नहीं इंप्रूवमेंट की, बट हर चीज में थोड़ा बहुत होता है कि मार्जिन तो रहता ही है हल्का फुल्का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।